क्या आपके हाथों में ऐसा एम का निशान है? क्या आपके अंदर इस पहाड़ पर बैठने का दम है? और ये कौन सा जानवर है जो सीधी दीवार पर चल सकता है? आपके इन्हीं सवालों के आंसर्स और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हैं जापान में सिग्नेचर करने का कोई रिवाज नहीं है? जी हाँ, जापानी लोग अपनी मुहर यानी स्टैम्प बनवाते हैं, जिसे हैंको कहा जाता है। पेन चलाने का झंझट ही रही, जहाँ जरूरत पड़ी हैंको निकाला और मार दी मुहर। स्कूल हो या फिर कॉलेज, कोई ज्वाइनिंग हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह चलती है एक खास मुहर जिसका नाम है हैंको। फैक्ट नंबर 20, दिखने में बेहद क्यूट से लगने वाले पेंगुइन असली जिंदगी में बहुत सेल्फिश होते हैं। जी हाँ, पानी में कोई शिकारी घात लगा कर तो नहीं बैठा है, ये चेक करने के लिए पेंगुइन अपने ही किसी साथी को धक्का दे देते हैं। साथी बच गया तो चलो दोस्त साथ में नहाते हैं, और कहीं साथी शिकारी के हाथों चढ़ गया तो चलो दोस्त गुड बाय। है ना कमाल यार, सच पूछो तो पेंगुइन से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। खैर, सर्वाइवल इज एवरीथिंग, ये बात पेंगुइन भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 19, कुत्तों की वफादारी के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन कुत्तों की वफादारी के साथ साथ अपनी अपंगता पर भी जीत हासिल करने जैसा कॉम्बो कभी नहीं सुना होगा। ये है बिल इरविन। बिल ने अपालाचियान पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ी, जिसकी लंबाई 2160 मील है। आपको बता दूं कि बिल ने ये कारनामा अपने कुत्ते के सहारे, जी हाँ, उसके बताए रास्ते पर चलकर अंजाम दिया। बिल आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अपने कुत्ते पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस हाइकिंग के दौरान बिल लगभग 5000 बार गिरे। वाकई इंसान की डेयरिंग नहीं, सिर्फ जज्बा चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। फैक्ट नंबर 18, इस बच्चे को आपने कभी ना कभी कम से कम एक बार तो जरूर देखा होगा, है ना? जी हाँ, ये बच्चा सक्सेस किड के नाम से कभी वायरल हुआ था। न जाने कितने ही मीम इस बच्चे के नाम पर सोशल मीडिया में शेयर किए गए। इसे सोशल मीडिया ने इसे इतना पॉपुलर बना दिया कि छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने खुद के कमाए पैसों से अपने डैडी की किडनी ट्रांसप्लांट करवा दी। तब ये लड़का 11 महीने का था, आज ये लड़का 13 साल का हो गया है। वैसे सोशल मीडिया कई बार अच्छे कामों के लिए भी काम आता है, क्योंकि अब बच्चे बड़े होकर ही नहीं, आजकल बच्चे बच्चे रहकर भी माँ बाप का सहारा बन रहे हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोल्जर को दी जाने वाली पिस्टल्स में से एक ट्रांसपेरेंट ग्रिप लगाई जाती है, ताकि उस ग्रिप के नीचे सोल्जर अपने परिवार की तस्वीर लगा सके। दूर रहकर भी पास होने का एहसास पाने के लिए ये तरकीब जरूर अच्छी लग सकती है, लेकिन जंग में कब जान चली जाए, ये दूरी हमेशा के लिए दूरी बन जाए, इस तकलीफ को कोई और नहीं वो सोल्जर ही समझ सकता है। फैक्ट नंबर 16, आज जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन में जनरेशन के बाद जनरेशन बदलती जा रही है, 3G, 4G, 5G, क्या आपको ये पता है कि इन सब के पीछे वो इंसान कौन है? जी हाँ, इनसे मिलिए, ये है सर नरेंद्र सिंह कापाने, जिन्हें दुनिया की आधी साइंटिफिक सोसाइटी फादर ऑफ ऑप्टिक्स मानती है। हालांकि फाइबर ऑप्टिक्स के नोबेल प्राइज चार्ल्स क्वेन काओ को मिला, क्योंकि काओ ऑप्टिकल फाइबर पर लाइट का ट्रेवल कराने में कामयाब रहे। लेकिन लाइट ऑप्टिकल फाइबर के सहारे ट्रेवल कर सकती है, और इसी के सहारे कोई भी डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट दुनिया को बताने वाले मिस्टर कापा ने है। फैक्ट नंबर 15, लंदन शहर की शान है टावर ब्रिज, जिसके नीचे से अगर कोई जहाज गुजरता है तो उसके एलिवेटेड रोड को उठा दिया जाता है। हमारा फैक्ट भी इसी से जुड़ा है। साल 1952 में अल्बर्ट गुंगटॉन नाम के एक बस ड्राइवर ने इसी ब्रिज पर ऐसी डेयरिंग दिखाई, जिसके लिए उन्हें ऑफिशियली 10 यूरो इनाम दिए गए। दरअसल अल्बर्ट सवारी से भरी बस लेकर इस ब्रिज से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक जहाज के आने से रोड को उठाना पड़ गया। अब पीछे जाना पॉसिबल नहीं था और आगे जाना आसान नहीं था, ऐसे में अल्बर्ट ने गैप के बीच में से गाड़ी गुजार कर कई जाने बचाई। इसी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और रिवॉर्ड भी दिया गया। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का सियालकोट ऐसा शहर है जहां 4 से 6 करोड़ फुटबॉल सालाना बनती है? जी हाँ, इस मशहूर खेल का सबसे मशहूर और बड़ा प्रोडक्शन हब अगर दुनिया में कोई है तो वो है सियालकोट, जहां का घर घर फुटबॉल बनाने के व्यवसाय में जुड़ा है। शहर के अंदर 200 से ज्यादा फुटबॉल फैक्ट्रीज के साथ सियालकोट दुनिया का आधे से ज्यादा फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग अकेले संभालता है। फैक्ट नंबर 13, यह दुनिया का पहला अंडर वाटर टेनिस स्टेडियम जो बन रहा है दुबई में। वैसे तो ये प्रोटोटाइप इमेज है, लेकिन ये स्टेडियम जल्द ही दुनिया के सामने कुछ इस प्रकार नजर आएगा। अंतरंगी निर्माणों के लिए मशहूर दुबई के इस पानी के अंदर बने स्टेडियम की लागत लगभग $2.5 मिलियन होगी। इसको डिजाइन किया है पोलैंड के मशहूर आर्किटेक्ट क्रिस्टोफ कोटाला ने। इस स्टेडियम में एक दो नहीं बल्कि 8 टेनिस कोर्ट होंगे, जहां एक ही छत के नीचे कई खिलाड़ी टेनिस खेल सकेंगे। वो छत जिसके ऊपर से शार्क मछलियां भी फेडरर और नडाल को टेनिस खेलते हुए देख पाएंगी, वो भी बिना टिकट। फैक्ट नंबर 12, साल 2017 में एक 8वीं क्लास की लड़की ने, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, दुनिया की सबसे बेस्ट हैंडराइटिंग इनाम जीता। जी हाँ, ये है प्रकृति माला। नेपाल में रहने वाली इस गुड़िया की हैंडराइटिंग इतनी कमाल की है, जिसे आज नेपाल नहीं पूरी दुनिया के लोग पसंद कर रहे हैं।
प्रकृति का लिखा हुआ ये नोट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। जिसने भी इसे देखा उसने इसे शेयर किया और तारीफ भी की। कई लोगों ने तो माइक्रोसॉफ्ट को ये सुझाव दे डाला कि प्रकृति की हैंडराइटिंग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल फॉन्ट में शामिल कर ले। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे तरंगी लेकिन क्यूट अलार्म कौन सा है? सोचो, दुनिया का सबसे अनोखा अलार्म होती है हमारी मम्मी। छक गए ना? जी हाँ, ये इकलौती ऐसी अलार्म होती है जो 7 बजे उठने के लिए आपको 6 बजे ही उठा देती है, ये बोलकर कि बेटा उठना नहीं है क्या, 8 बज चुका है। ये फैक्ट हम सबकी मम्मी के नाम, जिनके ऐसे ही जल्दी उठाने की वजह से आज हम जो बन पाए हैं वो बन पाए हैं। फैक्ट नंबर 10, कैलिफोर्निया के सैन डियागो में घूमने लायक एक ऐसी जगह है जहां अगर आप बैठ जाए तो शायद ही आपका मन करे यहां से उठने का। शर्त यह है कि आपको निडर होना पड़ेगा। यह है पत्थरों का टीला जिसे पोटैटो चिप रॉक कहते हैं, एक छोटी सी चीज जिसने इसे इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि वो इसके एलोंगेटेड प्लेटफॉर्म जो देखने में सलीक है मानो चिप्स हो। हवा में बना ये प्लेटफॉर्म 7 फीट का है लेकिन इसके नीचे 2000 फीट की गहराई है। जो भी यहाँ बैठता है जिगर है तो ठीक, वरना ऊपर वाले को याद करता है। फैक्ट नंबर 9, ये है नुबोनियन आईबैक्स। मिडल ईस्ट एशिया के रेगिस्तानों में पाई जाने वाली एक ऐसी बकरी जो अपना पेट पालने के लिए हर दिन जान जोखिम में डालती है। जी हाँ, इसकी भूख कब इसकी जान ले ली ये नहीं जानती। ये ऊंची ऊंची चट्टाने और इन चट्टानों के किनारे पर ये संकरा रास्ता जहाँ कभी दो तो कभी एक ही पैर रखने की जगह होती है, अपने शरीर को साधते हुए हर दिन आगे चढ़ती उतरती है। लेकिन अगर जिगर की बात करें तो एक न्यूबॉर्न आईबैक्स भी 2 हफ्ते के अंदर इन डेडली पहाड़ियों को चढ़ने उतरने के लिए ट्रेन हो जाता है। वो अपनी माँ के कदमों को देखता है और बिल्कुल वैसे उतरता है। हालांकि ये प्रजाति आज खतरे की कगार में आ गई है जहाँ 10,000 से भी कम संख्या में आईबैक्स बचे हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि सिंगापुर और मलेशिया कभी ऐसे देश हुआ करते थे लेकिन 9 अगस्त साल 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर को अपने देश से निकाल दिया और सिंगापुर एक अलग देश बन गया। वैसे ये ब्रेकअप मीन ये आजादी की कोई जंग या फिर क्रांति का नतीजा नहीं था बल्कि एक म्यूचुअल स्प्लिट था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सिंगापुर इकलौता ऐसा देश है जो ना चाहते हुए भी आजाद हो गया और आज सिंगापुर मलेशिया से आगे निकल गया है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि भगवान ना करे कभी आपका सिलेंडर फट जाए और आपके जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी आपको 40 लाख रुपए देने के लिए कानूनी बाध्य है। उनसे 40 लाख रुपए लेना आपका कानूनी हक है। फैक्ट नंबर 6, यह है 56 साल के केविन फास्ट और यह है कैनेडियन एयरफोर्स का भारी भरकम हवाई जहाज CC-17 ग्लोब मास्टर। केविन स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने के साथ साथ एक प्रीस्ट भी हैं, जिन्होंने इस जहाज को 8.8 मीटर की दूरी तक खींचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। वैसे इस जहाज का वजन ज्यादा नहीं, बस 128,000 किलो है। वैसे आपने अपनी रियल लाइफ में मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट किया है, चाहे तो कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे प्रीस्ट से याद आया कि साल 1894 में एक पादरी ने डूबते हुए बच्चे को बचाया जिसकी उम्र मात्र 4 साल की थी। एक मासूम से बच्चे को नई जिंदगी देना किसी पुण्य से कम नहीं होता, मगर हाँ, वो बच्चा एडोल्फ हिटलर हो तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस मासूम से बच्चे ने आगे चलकर लाखों मासूम और निर्दोष लोगों को मौत को घाट उतार दिया था। जी हाँ, वो बच्चा हिटलर ही था जिसे एक पादरी ने डूबने से बचाया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ओलंपिक खेलों में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल में केवल 1% गोल्ड होता है, जबकि वही गोल्ड मेडल लगभग 90% सिल्वर का बनाया जाता है और इस गोल्ड मेडल की कीमत लगभग $600 होती है। हाँ, अगर ये पूरी तरह गोल्ड से बना दिया जाए तो एक मेडल बहुत महंगा होगा। क्यों, आपको क्या लगता था अपने दांतों के नीचे दबाए इस खिलाड़ी का मेडल प्योर गोल्ड है? जी नहीं। फैक्ट नंबर 3, सेंट्रल अमेरिका के एक देश ग्वाटेमाला में एक ऐसा वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है जो पिछले 90 सालों से फट रहा है, वो भी 24/7। जी हाँ, ये वॉल्केनो डी फ्वागो जो पिछले कई दशकों से इसी तरह फट रहा है। वैसे कभी कभी ये फ्वागो इतना भयंकर रूप ले लेता है कि इससे जान माल दोनों को खतरा बन सकता है। आखिरी बार 3 जून 2018 को इस ज्वालामुखी ने ऐसी तबाही मचाई जिसने 200 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये ज्वालामुखी 1929 के बाद सबसे डेडेस्ट विस्फोट था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है भारत साफ पानी के मामले में 122 देशों की लिस्ट में 120वें नंबर पर आता है, जहां कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा, जी हां, 60 करोड़ आज पानी के संकट से घिर चुके हैं। ये रिपोर्ट खुद नीति आयोग ने साझा की है, जहां दिल्ली जैसे मेट्रो शहर के बारे में इस आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ये शहर अपना ग्राउंड वाटर साल 2020 तक खो देगा। इसी तरह 2030 तक देश की आबादी की लगभग 40% जनता पानी के एक बूंद के लिए तरसेगी। दोस्तों, सुनने में कड़वा लग रहा होगा लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। भारत के बड़े बड़े शहरों में जीरो डे आने वाला है। जीरो डे वो दिन होता है जहां साफ पानी ना होने के चलते सरकार को वाटर सप्लाई बंद करनी पड़ती है। ये कयामत जैसा दिन कई अफ्रीकी देश देख और झेल चुके हैं। दोस्तों, हर बात के लिए सरकार की तरफ देखा जाए और उसे जिम्मेदार माना जाए ये सही नहीं है। आज पानी की दिक्कत है तो उसके जिम्मेदार हम भी तो उतने ही हैं जितना कोई दूसरा। पानी के लिए सीरियस हो जाइए और इसे बर्बाद मत होने दीजिए।
फैक्ट नंबर वन, क्या आपने पामिस्ट्री के बारे में सुना है? जी हाँ, हाथ देखने की कला, जिससे आपके नेचर, पर्सनालिटी और अच्छी बुरी आदतों का अंदाजा लगाया जाता है। एक रिसेंट स्टडी ने ये क्लेम किया है कि दुनिया में लगभग 3% लोग ऐसे हैं जिनके एक हाथ पर अगर एक्स का निशान होता है तो बेहद कामयाब और फेमस लोग रहे हैं। उनमें यह काबिलियत होती है कि वो खतरे को दूर से ही पहचान लेते हैं और हर कदम नापतोल कर उठाते हैं। लेकिन जिन लोगों के दोनों हाथों पर यह एक्स का निशान मिलता है, वो फेमस होने के साथ साथ अमर हो जाए। जी हाँ, उनके मरने के बाद भी दुनिया उन्हें याद रखती है, जैसे अब्राहम लिंकन और अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन के दोनों हाथों में एक्स का निशान है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर हकीकत, आप अपने हाथ को देखकर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ना सब्सक्राइब करें ना घंटा दबाएं, बस एक काम करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। जैसे ही वीडियो पे 1000 शेयर्स आएंगे, हम फैक्ट एक्सप्रेस का अगला एपिसोड रिलीज कर देंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।